Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hi everyone. Today's topic is quantum cryptography. In this video, we will learn how key exchange works in quantum cryptography. Let's start with this. Quantum cryptography, instead of math, it relies on law of physics. ये डिपेंड करती है लॉ ऑफ फिजिक्स के ऊपर और वन पर्टिकुलर लॉ हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर. अच्छा, ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है यू कांट से एनीथिंग अबाउट स्टेट ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स. और पार्टिकल कौन से होते हैं? फोटॉन्स के ऊपर. वन फोटॉन जो होता है वो बेसिकली इक्वल टू वन क्वांटम होता है, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट है. अच्छा, जो फोटॉन्स की प्रॉपर्टी है, ही ऑलवेज मूव इन अ स्पिन. और इसकी डिफरेंट स्टेट्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं पासिंग थ्रू फिल्टर्स. नेक्स्ट, फोटॉन की स्टेट को डिस्कस कर लेते हैं. फोटॉन्स की बेसिकली फोर स्टेट्स हैं. फर्स्ट स्टेट जो है वो वर्टिकल है और दिस वन इज डायगोनल स्टेट. इसी तरह हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्टेट है और फिर डायगोनल स्टेट है हमारे पास. और अगर आपने वन सेंड करना है तो यहाँ आप वर्टिकल सेंड करेंगे या फिर इस तरह डायगोनल स्टेट में सेंड करेंगे. और इसी तरह अगर आपने जीरो सेंड करना है तो यहाँ आप हॉरिजॉन्टल सेंड करेंगे या डायगोनल स्टेट में फोटॉन्स को सेंड करेंगे. तो ये बेसिकली फोर स्टेट्स होती हैं. तो अगर यहाँ ने 1100 सेंड करना है तो वो वर्टिकल, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल स्टेट के अंदर फोटोन को सेंड करेगा हिबा को. और इसी तरह यहाँ वो इस स्टेट में सेंड करेगा. ये सेम स्टेट्स हैं बट जस्ट रिप्लेस किए हॉरिजॉन्टल को डायगोनल के साथ. तो हमारे पास 1-1 की दो स्टेट हैं और 0-0 की दो स्टेट हैं. फर्दर देख लेते हैं कि जो फोटोन है वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं. इसी तरह वो सेंड किए जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए यहाँ टू हिबा. और हमारे पास फिर फर्दर फिल्टर्स होते हैं इसके अंदर. फोर किस्म के फिल्टर्स हैं, ठीक है. एक हॉरिजॉन्टल फिल्टर यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, इसी तरह वर्टिकल फिल्टर है और डायगोनल फिल्टर है और इसी तरह अदर डायगोनल फिल्टर है. ये फोर फिल्टर यूज़ करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन के लिए. यूजिंग दीज फिल्टर फोटोन जो है हर स्टेज के ऊपर अपना स्टेट चेंज करता है. और फर्दर हम इनके ग्रुप्स बना लेते हैं. जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का हम लोग रेक्टिलिनियर स्कीम का फिल्टर बना लेते हैं और इसी तरह डायगोनल का डायगोनल स्कीम फिल्टर बना लेते हैं. तो ये बेसिकली दो फिल्टर्स यूज होंगे कम्युनिकेशन के लिए. नेक्स्ट, हम लोग कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं कि अगर अयान स्टार्ट करता है सेंडिंग फोटॉन्स टू हिबा. अच्छा, वो कैसे सेंड करेगा? वो फिल्टर्स जो है वो रेंडमली यूज करेगा. और इसी तरह जो हिबा है उसको भी नहीं पता कि उसने एंड पे किस फिल्टर से रिसीव करने हैं फोटॉन्स, तो वो भी बेसिकली रेंडम फिल्टर को ही यूज करेगी. तो अगर तो अयान उसको 0110 सेंड करना चाह रहा है तो वो यूजिंग फिल्टर उनको फोटॉन्स को सेंड करेगा, ठीक है. और अगर इसी तरह दूसरे एंड पे हिबा के पास रॉन्ग फिल्टर अगर यूज करेगी रैंडमली तो उसके पास रॉन्ग आंसर आएगा. लाइक अयान ने उसको 0110 सेंड किया था और हिबा ने उसके पास 111 रिसीव हुआ है. अकॉर्डिंग क्वांटम मैकेनिक, अगर हम लोग 1 को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो हमारे पास दो ही फोटोन की स्टेट्स हैं, ठीक है. या वो वर्टिकली सेंड करेगा रिसीव करेगा, इसी तरह वो डायगोनल स्टेट में सेंड करेगा और रिसीव करेगा. तो अगर हम लोग रेक्टिलिनियर फिल्टर यूज करेंगे रिसीविंग के लिए तो इस सूरत में तो वो सिर्फ वर्टिकल ही 1 जो है वो रिसीव करेगा और जो डायगोनल 1 है वो रिसीव नहीं होगा. इसी तरह हम लोग अगर 0 है वो यहाँ सेंड कर सकते हैं रिसीव कर सकते हैं, तो दो ही स्टेट्स हैं, या हॉरिजॉन्टल स्टेट है या डायगोनल स्टेट है. तो हॉरिजॉन्टल स्टेट से जब सेंड करेंगे तो वो तो डायगोनल फिल्टर को यूज करते उसको रिसीव नहीं करेगा, यानी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आएगी. और अगर हम लोग डायगोनल स्टेट को सेंड करेंगे तो वो रिसीव कर लेगा, उसके पास इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट आ जाएगी. तो अकॉर्डिंग क्वांटम मैकेनिक प्रोबेबिलिटी देयर विल बी अ 50% चांस टू रिसीव 1 और 50% चांस टू रिसीव 0, लाइक दिस, ठीक है. यहाँ तो हमारे पास 50% चांस है वो 1 रिसीव होगा और इसी तरह हमारे पास 50% चांस है कि हमारे पास 0 रिसीव होगा. और इवन हम लोग अगर बोथ फिल्टर को एक्सचेंज भी कर लें तो इस सिचुएशन में भी हमारे पास जो वर्टिकल 1 है वो तो यहाँ पे रिसीव नहीं करेगा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आएगी, लेकिन जो डायगोनल है वो यहाँ पे रिसीव कर लेगा. और सेम वे यहाँ पे भी ये होगा कि अगर हॉरिजॉन्टल हम लोग स्टेट को रिसीव करेंगे वो तो रिसीव हो जाएगी, लेकिन जो डायगोनल स्टेट है वो 0 रिसीव एक्यूरेट नहीं होगा. तो सेम प्रोबेबिलिटी अप्लाई करती है बोथ फिल्टर स्कीम के ऊपर. तो आपके पास आइदर 50% 1 आ सकते हैं या आइदर 50% चांस है 0 आने के. ये अकॉर्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स लॉ है. और फिर हम लोगों ने जो अभी रिसीव किया हिबा ने डाटा 1111 का, तो सेम हम लोग प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर अप्लाई करते हैं. तो जो 50% है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे और जो 50% वो रिमेनिंग रह जाएगा वो बेसिकली हमारे पास की होगी. इस तरह मैं फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ. जो अयान ने उसको डाटा सेंड किया था वो 0110 था और जो हिबा ने रिसीव किया था वो 111 था. लेटर ऑन हिबा कंपेयर कर दिया अयान के फिल्टर्स के थ्रू, तो फिर क्या होगा कि अयान ने जो 0 सेंड किया था वो हॉरिजॉन्टली फिल्टर को यूज करके सेंड किया था, लेकिन जो हिबा ने रिसीव किया वो डायगोनल फिल्टर के थ्रू रिसीव किया, इसलिए उसके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आई है. इसको तो हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये रॉन्ग होगा. और फिर अयान ने जो है नेक्स्ट जो है वर्टिकल फिल्टर के थ्रू 1 भेजा है, तो हिबा ने जो रिसीव किया वो रेक्टिलिनियर
नियर के थ्रू रिसीव किया तो ये तो वन ही आ गया, ये एक्यूरेट आ गया। इसी तरह नेक्स्ट जो है डायगोनल के थ्रू सेंड किया है वन, और इबा ने उसको डायगोनल फिल्टर के थ्रू रिसीव किया है तो ये भी एक्यूरेट हो गया। इसी तरह यहाँ ने फिर डायगोनल के थ्रू जीरो सेंड किया है, और हिबा ने जो रिसीव किया है वो रेक्टिलिनियर स्कीम के थ्रू रिसीव किया था, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो सेम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यूज होगी, जो रॉन्ग था ठीक है वो हम लोग रिमूव कर देंगे, और जो रिमेनिंग हमारे पास रह गया वन वन वो बेसिकली की होगी। नेक्स्ट हम एक और फर्दर लेके चलते हैं कि अगर बिफोर सेंडिंग अहियान जो है बेसिकली कॉल करता है हिबा को और स्कीम ऑफ फिल्टर से बता देता है कि कौन सी मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसको सिर्फ ये स्कीम ऑफ फिल्टर बताएगा, ये नहीं बताएगा जीरो और वन का सीक्वेंस, नहीं बताएगा किस सीक्वेंस में सेंडिंग करेगा। उस सूरत में क्या होगा कि अहियान जो है वो जीरो अगर सेंड करना चाह रहा है तो सेम फिल्टर ही दूसरे एंड पे हिबा यूज़ करेगी, तो वो उसके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जीरो की आ जाएगी, तो इस तरह ये आपस में एक्यूरेट कम्युनिकेशन होगी। नेक्स्ट इवन बीच में कोई हैकर इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, हिबा और अहियान तो सेम फिल्टर यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग स्कीम, लेकिन अगर बीच में कोई इन्वॉल्व होता है और ट्रैफिक कैप्चर करने की कोशिश करता है और अगर वो रॉन्ग फिल्टर बीच में यूज करता है तो फिर क्या होगा, अहियान तो उसको जीरो सेंड करेगा हॉरिजॉन्टली ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके वो क्योंकि रॉन्ग फिल्टर था तो वो उसकी स्टेट चेंज हो गई और हिबा के पास भी रॉन्ग स्टेट में गया। इसका क्या मतलब हुआ, एक तो उसको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है हैकर को, और प्लस हिबा के पास भी गलत इन्फॉर्मेशन गई है, जिससे हिबा को यह पता चल जाएगा कि कोई ना कोई हमारी कम्युनिकेशन के दरमियान इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि कोई बीच में इंटरफेयर कर रहा है कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट फर्दर एक और लेके चलता हूं कि अगर अहियान जीरो सेंड करना चाह रहा है और बीच में हैकर जो है इवन एक्यूरेट फिल्टर यूज करता है, लेकिन हिबा जो है वो रैंडम फिल्टर यूज कर रही है, फिर क्या होगा, जब वो अहियान सेंड करेगा उसके पास इन्फॉर्मेशन, हैकर के पास तो एग्जैक्टली जीरो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ठीक है, लेकिन हिबा के पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आएगी, तो हिबा क्या करेगी, लेटर राउंड क्या जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आई है वो 50% जो प्रोबेबिलिटी यूज करेगी तो वो उसमें से वन जो है रिमूव हो जाएगा। तो इवन अगर उसके पास एक्यूरेट जीरो आ भी गया है तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो आफ्टर प्रोबेबिलिटी जो वन है वो रिमूव हो जाएगा। इस तरह इसके पास जो इन्फॉर्मेशन गई है वो अगेन रॉन्ग गई है सारी की सारी हैकर के पास। तो इस तरह क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के अंदर की एक्सचेंज वर्क करती है। और एक चीज और मैं बता दूं कि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इसके अंदर की एक्सचेंज जो है अनब्रेकेबल है। I hope you learn how key exchange work in quantum cryptography. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.